अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ध्यान गुरु दीपांकर स्वामी जी। तो स्वामी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम शानदार। ओके, चलिए तो स्वामी जी, जैसे कि आपको ध्यान गुरु के नाम से आप काफी लोकप्रिय हैं देश दुनिया में, तो और आपकी वजह से काफी लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, यानी कि आपके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए? वैसे मुझे लगता है कि जिस प्रकार आध्यात्म एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा पथ है जिस पर आपके साथ हमेशा आपका गुरु होता है, जस्ट लाइक ए मास्टर मेंटर। मेंटर जो होता है वही आपके लिए सर्वोपरि होता है, शायद हमें लगता है कि वही हर एक आध्यात्मिक साधक के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए होना भी चाहिए। तो हमें लगता है कि आज ध्यान और ध्यान के साथ गुरु का होना, ये अपने आप में चीजों को सफिशेंट और कंप्लीट कर देता है हर उस व्यक्ति के लिए कि जो वर्तमान तनाव से जूझ रहा है। तो हमें लगता है कि साथ में गुरु का होना और आध्यात्म को जीना, यही दो एक महत्वपूर्ण टीचर होते हैं। और वैसे कहा जाता है कि क्यूरोसिटी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, उत्सुकता से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, पर हाँ अपनी तरफ से रोल प्ले करना चाहिए पॉजिटिव लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आपने कब से शुरुआत की, मतलब आपका यही था कि आपको इसी फील्ड में आना है, मतलब सतगुरु गुरु आचार्य जी बनकर रहना है, या फिर पहले आपने कुछ और सोचा हुआ था? नहीं, हम 8 साल के थे जब संन्यास लिया था। अच्छा, तो हमारी लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था और हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही बनना था और वो आज हम हैं। 8 साल की उम्र में आपने जी हम संन्यास लिए थे और शायद हमें लगता है कि अपने जीवन की तकरीबन 20 से 22 साल हम इस लाइफ को जी चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये प्रेरणा आपको भीतर से ही मिलती है। जैसे कोई चाहता है ना परिवार में कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने, कोई कहता है बैरिस्टर बने, कोई कहता ऑफिसर बने, हमारी मदर ही चाहती थी, माँ ही चाहती थी कि हम साधक बने, तो हमने वही चुना। और जब राम के कहे से, माँ के कहे से राम वनवास ले सकते हैं, तो हम साधक क्यों नहीं बन सकते, तो हमने वही फॉलो किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 साल की उम्र में तो आजकल हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते, हमें तो 8 साल की उम्र में हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमें बनना क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप काफी मुहिम चलाते हैं, मतलब जो इंसान जो है आजकल काफी डिप्रेस्ड रहते हैं, उस चीज को लेकर आपने किया था, उसके बाद आपने एनवायरनमेंट ग्रीन को लेकर आपने किया था, उसके बाद एक लाउड स्पीकर वाला जो था उसमें आपकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, मतलब जैसे कि आपका उसमें मकसद था कि आप ध्वनि प्रदूषण जो है उसे खत्म कर दें, मतलब कम करें। तो उसकी शुरुआत में जानना चाहूंगी कि आपने मंदिर पर स्पीकर हटाते हुए आपकी एक वीडियो काफी सामने आई थी, हमने देखी थी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि अगर ध्वनि प्रदूषण को कम करना है तो उसकी शुरुआत आपने मंदिर के स्पीकर हटाने से ही क्यों की, मतलब कोई और जरिया भी हो सकता था इसे शुरू करने का? बराबर जी। बेसिक होता क्या है कि जब हम कोई कैंपेन को शुरू करना चाहते हैं तो एक मैसेजेबल होना चाहिए। अधिकांश ऐसा होता है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उससे ताल्लुक नहीं। कहा जाता है कि परमात्मा दिल की सुनता है, उसके लिए लाउड स्पीकर क्यों? फर्स्ट। सेकंड ये कि अगर बात हमें कोई इबादत की करनी है, परमात्मा को प्रसन्न करने की करनी है, परमात्मा के लिए करनी है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता शोर मचाने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि जो आप और हम बात कर रहे हैं उस बात का डेसिबल 20 से 25 होगा। जब कोई प्रेशर हॉर्न बजाता है तो उसका डेसिबल 60 to 65 होता है, और जब कोई फायर करता है या कोई मतलब कोई गोली चलाता है तो उसका डेसिबल 80 से 100 के लगभग होता है। वो किसी को बहरा करने में पर्याप्त है। आपकी खुशी, आपकी इबादत दूसरे के लिए दुख हो ही नहीं सकती, और अगर जो दुख है तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। तो मेरा मकसद मात्र मंदिर से लाउड स्पीकर को ब्रिंग डाउन करने का यही था कि लोगों को मैसेज जाइए कि परमात्मा दिल की सुनता है, उसके लिए कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं होती। हिंदुस्तान में एक प्रचलित है परंपरा, ट्रक और बस के पीछे लिखा होता है कि बजाओ हॉर्न निकलो फौरन। अब यहां पर ऐसा है, आप आउट ऑफ कंट्री में जाइए तो वहां लिखा है कि बजाया हॉर्न तो जुर्माना फौरन, आप फंस जाओगे।
तो हमें ये लगता है कि एक एक सोच इंसान को डेवलप करना पड़ेगा, अगर जो डेवलप नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे। अगर आप ही से मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर टेक ऑन हाई लेवल नॉइज पोल्यूशन इन आवर कंट्री, तो आपका क्या टेक होगा? ऑफ कोर्स ये होगा कि बंद होना चाहिए जी। जो जात भाव से कहा जा सकता है उसमें शोर क्यों? तो आप जानते हैं इससे करोड़ों लोग बहरे हो चुके हैं, करोड़ों लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग सुनने की शक्ति खो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने सड़क से हटकर अपना घर लेने की इच्छा जताई, ना कि सड़क पर, क्योंकि सड़क पर बेतहाशा हॉर्न बजता है। तो इसीलिए कोशिश की थी कि मंदिर से मैसेज दिया जाए, पर उसमें मैसेज तो दिया था मंदिर से, कई जगह मॉस्क से भी ब्रिंग डाउन किया। तो बहुत सारे लोग गलत सोच बैठे, बोले अरे मॉस्क से हटा रहे हैं, बोले कि इसका मतलब ये तो ये बराबर नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने थ्रेट भी दिया कि आप मत हटाइए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमें लगता है कि जब आप देश के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसमें सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से दुखी नहीं है कि उनको दुख क्या है, वो इस वजह से दुखी हैं कि आप कुछ अच्छा क्यों कर रहे हैं जी। तो आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि तांडव करके एक वेब सीरीज आई थी, ठीक है, मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन उसमें लोगों ने काफी मजाक बनाया था उसका लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी धर्मों का रिस्पेक्ट होना चाहिए जी। मगर मुझे समझ नहीं आता कि मेरा ही धर्म आपके मनोरंजन का प्रयोग क्यों बन जाता है। सब धर्मों का सम्मान है तो मेरे धर्म का अपमान क्यों? और समूचा क्रिएटिव फ्रीडम आप मेरे धर्म पर क्यों आजमाना चाहते हैं? आप और धर्मों पर बना लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। आप कोई सॉफ्ट स्पोकन को या आप कोई सहिष्णु लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो उसके रिएक्ट होंगे। पर अब ये बदला हुआ भारत है, ये रिएक्ट करता है, ये बदला हुआ भारत है, ये जवाब देता है, ये बदला हुआ भारत है, ये आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि जो आपने गलत किया वो गलत है। उसी का परिणाम ये हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस जिनको जमानत लेकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हिंदू धर्म का मजाक क्यों बनाया और आपको बार बार बेल क्यों मिले। तो अर्थ कहने का यह है कि आप किस अधिकार से देश के बहुसंख्यक समाज के देवताओं का मजाक बना सकते हैं? और अगर जो आप ऐसा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि दिस इज नॉट फेयर। और पुरानी एक कहावत है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान इंसान को मार देता है। आपको पता नहीं जो लाखों करोड़ों घरों में पूजनीय हैं, आप उस राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं मात्र छोटी सी या थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए या चीप पब्लिसिटी के लिए। आचार्य जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि राजनीति में काफी दखल अंदाजी देखने को मिलती है, तो क्या ये सही है और क्या ये होना चाहिए? मैं कहूंगा कि इसको दखल अंदाजी कहना अनुचित होगा। होता क्या है कि राम से लेकर के, प्रभु राम से लेकर के चाणक्य तक, सन्यासी राजनीति को दिशा भी देते हैं और दशा भी देते हैं। जब तक आध्यात्म के सानिध्य में सियासत होती थी तब तक राम राज्य की स्थापना और परिकल्पना की जाती थी। आज आध्यात्मिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। राजनीति शरीर है तो धर्म उसकी आत्मा है। राजनीति काटती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। आप धर्म को उससे अलग कर देंगे तो वो मात्र शरीर रह जाएगा, आत्मा समाप्त हो जाएगी। तो धर्म को आप चाह करके भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो मेरा अपना मानना है कि धर्म के अनुसरण में सियासत चले तो राम राज्य होगा, और धर्म से विहीन होकर सियासत चले तो कभी CAA के प्रोटेस्ट होंगे और कभी बिहार होगा, कभी बागलपुर होगा और कभी कोलकाता होगा। तो मुझे लगता है कि धर्म के अनुसार अगर जो चीजें चलती हैं, मुझे लगता है कि राम राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हुआ। और अब से 40 साल पीछे चले जाइए तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम आजाद भी हैं? तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अवलोकन करते रहना चाहिए और धर्म के सानिध्य में ही सियासत को क्रियान्वित होना चाहिए। तो मतलब जो राजनीति में मतलब लोग अपनी अपनी राय देते हैं तो आप ये गलत नहीं है, अगर वो अपना रख रहे हैं, मतलब अपने जो उनके मन में आ रहा है, जो वो बात जो कहना चाहते हैं अगर वो रख रहे हैं तो वो एक दखल अंदाजी नहीं कही जाएगी। अगर दखल अंदाजी इसको कहें तो क्यों, चाणक्य ने 2400 साल पहले चंद्रगुप्त को सिखाया था तो वो दखल अंदाजी नहीं थे। अगर जो वो ना सिखाते तो आज चंद्रगुप्त सम्राट नहीं बनते।
वशिष्ठ प्रभु राम को नहीं बताते तो इतनी सारी चीजें क्रियान्वित नहीं होती। और वर्तमान भी आध्यात्मिक जितने भी लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग, उनसे प्रेरित होकर ही चीजों को क्रियान्वित करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान किया जाता है, नीतियों को अंगीकार किया जाता है। लोकतंत्र के मंदिर में, जिसे हम संसद कहते हैं, निराकार चीजें आकार लेती हैं, उन्हें देखने का, समझने का, परखने का एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अधिकार ही नहीं, अधिकार प्राप्त होने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने के अधिकार क्षेत्र भी होने चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। हमें अपना समय दिया और साथ ही हमारे प्रश्नों के उत्तर भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।